ऑफिस से घर आते हो और फिर सीधा कमरे में घुस जाते हो। कुछ वक्त हमारे साथ भी गुजारा करो बेटा। मामा बस थकावट ना होता हूँ कि पहले भी तो ऑफिस जाते थे, रात को 12-12 बजे तक रूसा के साथ घूमते फिरते थे, तब तो थकते नहीं थे। मेरे मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ मामा। बच्चे तो हो ना, फिक्रमंद हूं तुम्हारे बारे में। मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह से तन्हा उदास। कुछ नहीं हुआ, आप क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहती। तुम्हें क्या लगता है, अरुषा दुनिया की आखिरी लड़की है? माशाल्लाह, मेरे बच्चे को अरुषा से लाख दर्जा बेहतर लड़की मिल सकती है। तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर रही, चाहती हूँ कि पहले तुम अपने आप को संभालो, उसके बाद जब तुम मुझे मुझे खुद इजाजत दोगे तो फिर मैं कोई अच्छी सी मामा लड़की। प्लीज, अभी तक मैं उस तकलीफ और उस कर्ब में हूं, अभी मैं इस शोक से निकला नहीं हूं। कब तक मनाओगे ये शोक? मैं कहती हूँ खत्म करो। रोजा मेरे बचपन का इश्क है, इतना आसान नहीं है खत्म करना। कुछ देखने के बावजूद तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुमने साफ साफ देख लिया, उस धोखेबाज फ्रॉडी इंसान की बेटी उसी की तरह निकली। भली मैंने उस लड़की को इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से कबूल किया था, लेकिन जो उसने तुम्हारे साथ किया है उसके बाद मैं उसे कोई रियायत नहीं दे सकती। ये मत सोचना कि तुम कभी भी उसे वापस लेकर